दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें देशभक्त और क्रांतिकारी नेता कहा है। एक पर एक पोस्ट में सिसोदिया ने लिखा, देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ने वाले मेरे प्रिय मित्र और राजनीतिक गुरु को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सिसोदिया ने खुद को केजरीवाल का सिपाही बताया और कहा उन्होंने तानाशाह के सामने घुटने टेकने के बजाय जेल जाना चुना। आज देश का लोकतंत्र अरविंद केजरीवाल के रूप में कैद है। सिसोदिया दिल्ली की जनता से मिलने के लिए आज से पैदल मार्च शुरू करेंगे। वे सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। पार्टी का कहना है कि वो जनता को भाजपा का प्रोपेगेंडा बताएगी। सिसोदिया पहले यात्रा 14 अगस्त से शुरू करने वाले थे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते इसे टाल दिया गया। सिसोदिया 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में जमानत दी थी। सिसोदिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह मेरी तरह ही केजरीवाल को भी न्याय देगा। साथ ही कहा कि पार्टी सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन एएपी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता ने एकता दिखाई, यही हमारी ताकत है। पार्टी में कोई टूट नहीं है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के।